हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम सीखेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में एक नंबर का आता ही आता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो कॉन्सेप्ट ये है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। क्या है, आज हम सीखेंगे कि सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ नंबर्स, यानी कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। कोई नंबर दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उस नंबर का उत्तरवर्ती कहें या अनुवर्ती कहें, बात एक ही है। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि उस नंबर का बताइए कि पूर्ववर्ती क्या है। दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी आप सब सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं कैसे हम निकालते हैं। तो सक्सेसर नंबर अगर आप बात करेंगे ना, तो सक्सेसर नंबर मतलब उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं कैसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हम कहें आपसे बताइए संख्या अगर 9 दे दी गई ना, संख्या 9 दी गई ना, अगर आपसे कहें कि बताओ इसका उत्तरवर्ती, पहली बात तो ये ध्यान रख लेना कि उत्तरवर्ती जो है ना, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती एक ही चीज है। यानी कि ये कहे कि एक ही व्यक्ति है, इसके दो नाम है, एक स्कूल का नाम है और एक घर का नाम है, इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, बात एक ही है, एक व्यक्ति के दो नाम है, उत्तरवर्ती है और अनुवर्ती है, स्कूल का ध्यान रखना और घर वाला ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए बताइए 9 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जब भी उत्तर देने की बात आए, यानी कि अनुवर्ती की बात आए ना, तो आप सिर्फ एक जोड़ना, आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब उत्तर दोगे ना तो कुछ बढ़ के ही तो दोगे, कुछ बढ़ के दोगे, यानी मुझे कुछ जोड़ना है। जोड़ना है इसका मतलब क्या जोड़ना है, हमको सिर्फ एक जोड़ना है बस। 9 में जब एक जोड़ोगे तो वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या हो जाएगा, हमारा 10 आंसर आ जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप सीख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन यानी कि एक मार्क का कन्फर्म हो जाएगा। उत्तरवर्ती सीख गए या कहें अनुवर्ती सीख गए। अब बात करते हैं प्रीडिसेसर नंबर, यानी कि पूर्ववर्ती नंबर क्या होते हैं, मतलब कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं, भूतपूर्व, समझा होगा ना, उसी से आएगा। देखो, अगर हम आपसे कहें, मान लो वही नंबर लेते हैं 9, 9 का पूर्ववर्ती, इसका एक ही नाम है स्कूल में भी और घर में भी, तो इसको सिर्फ पूर्ववर्ती ही बोलते हैं। और पूर्ववर्ती पता इतना आसान क्यों है, क्योंकि इसके पीछे आगे ही लगा है ना पूर्व, पूर्ववर्ती संख्या। अगर आपसे कहें कि 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, पूर्व मतलब पीछे, पूर्व मतलब पीछे, पीछे मतलब आपको कुछ नहीं करना है कि 9 में से सिर्फ एक घटाना है, 9 में से एक घटाओगे तो 9 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ये ध्यान कैसे रखना है, आपको सिर्फ पूर्ववर्ती ही ध्यान रखना है, उत्तरवर्ती जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। पूर्ववर्ती ध्यान रखने की बात ही नहीं, पूर्ववर्ती में सिर्फ अपने आप ही पूर्व लगा है, पूर्व मतलब पहले, पहले आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक हमको जोड़ना होता है और या हमको एक घटाना होता है। अगर हम पूर्ववर्ती की बात करेंगे ना, पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब एक हमको घटाना पड़ेगा, 9 का पूर्ववर्ती 8। अगर हम बात करें अनुवर्ती या उत्तरवर्ती की, तो पूर्ववर्ती का अपोजिट होता है भैया उसका होता है, उसमें पूर्ववर्ती में हम एक घटाते हैं ना, तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती में हमको एक जोड़ना पड़ेगा। सीख गए, सीख गए हो तो बोलो हाँ। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है कि 1000 की उत्तरवर्ती या हम कहें अनुवर्ती, बात तो एक ही है, दोनों भाई नाम एक ही है, व्यक्ति एक ही है, नाम दोनों के अलग हैं, स्कूल और घर का। 1000 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या है, दोस्तों आप मुझे बताओ। जब भी उत्तर देने की बात आ रही ना, उत्तर देने की बात आ गई ना, उत्तर देने की बात आ गई, तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। 1000 में जब एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1000 एक आ जाएगा। आप मुझे बताओ 1000 एक कहीं नहीं दे रखा, ना ऑप्शन ए में, ना ऑप्शन बी में, ना ऑप्शन सी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नन ऑफ दीज मतलब समझे, इनमें से कोई नहीं है, हमारा आंसर क्या है, 1001। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन डी दिख रहा है, नन ऑफ दीज कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 990 की अनुवर्ती संख्या क्या है। दोस्तों, अनुवर्ती
या कहें उत्तरवर्ती, बात तो एक ही है, आपको सिर्फ पूर्ववर्ती ही ध्यान रखना है। पूर्ववर्ती मतलब पहले, पहले मतलब माइनस एक, और शेष जो नंबर्स बच जाएं उसमें आपको प्लस वन करना है। क्या बचता है? उत्तरवर्ती तो बचता है। 990 की अनुवर्ती मतलब हमको प्लस एक करना है, बस प्लस एक करना है। 990 में जब आप एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 991। 991 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि अब आप भी कर पा रहे होंगे सवालों को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि 5999 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 5999 की पूर्व मतलब कि पहले की संख्या, 5999 के पहले की संख्या। अगर हम आपको यही नहीं पता है ना, क्या घटाना पड़ेगा तब भी आप इस सवाल का आंसर लगा सकते हो। 5999 की पहले की संख्या क्या 6000 होती है? नहीं होती है। देखो 6000 एक होती है? नहीं होती है। ऑप्शन ए और डी तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि ये 5999 के पहले की संख्या दे रखी है। अब यहाँ आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब भी पूर्ववर्ती की बात करेंगे ना तो हमको माइनस वन करना पड़ेगा। 5999 में जब एक घटाओगे तो कितना आएगा? 5998। 5998 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि अब आप सीख गए होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की। तो क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है कि 1947 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? बहुत ही आसान सवाल है। पूर्ववर्ती फिर कहा, पूर्ववर्ती मतलब कि 1947 से पहले की बात कर रहा है। 1947 से पहले की बात कर रहा है तो 1948 तो आएगा ही नहीं, ये चीज सीख गए। आप मुझे बताओ 1947 में आपको क्या घटाना है? माइनस का वन घटाना है। अगर पूर्ववर्ती की बात कर रहा कितना आएगा? 1946। 1946 आएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत, लेकिन आंखें खोल के रखना। 1946 यहाँ देखो ऑप्शन डी में माइनस का 1946 आ रहा है। भाई साहब माइनस तो हो ही नहीं सकता ना। 1947 में जब एक कम करोगे तो प्लस का 1946 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार बहुत ही अच्छे समझ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की ओर। क्वेश्चन नंबर पांच उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है कि 1556 की उत्तरवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ क्या करना। उत्तरवर्ती मतलब प्लस वन। 1596 की उत्तरवर्ती संख्या मतलब आपको प्लस वन करना पड़ेगा। प्लस वन करना पड़ेगा कितना आएगा? 1557 आएगा। अब क्या कह रहा है? इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। अब आपको पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है ना, पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? माइनस वन करना पड़ेगा। 1557 में जब माइनस एक जाएगा कितना बचेगा? 1556 बचेगा। संख्या क्या होगी? 1556। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे। आपको क्या दे रखा? 1556 ठीक है कि उत्तरवर्ती संख्या पूछ रहा मतलब प्लस वन। फिर क्या कह रहा कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी मतलब कि माइनस वन भी करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ प्लस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो। 1556 में जब जीरो जोड़ोगे तो 1556 ही आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांच बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों अब आप उत्तरवर्ती अनुवर्ती या हम कहें पूर्ववर्ती संख्या बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद तो यही करता हूँ कि अब की बार एग्जाम में ये सवाल आए तो आप उड़ा देना चुटकियों में। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।